सो हाय गाइस, मैं हर्षित यादव एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई, मैं आज आपके सामने लेके आ चुका हूँ अपनी इनोवा हाई क्रॉस बेस मॉडल। इसका मैं अच्छे से आपको वॉक अराउंड रिव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले तो आपको इसके आगे लुक की जैसी मिल जाती है, एलईडी आपको हेडलाइट से नहीं मिलती, हेलोजन ही मिलती है बेस मॉडल में। ग्रिल आपको ब्लैक कलर की मिल जाती है, बीच में क्रोम स्ट्रैप, टोयोटा का लोगो और ये इनोवा एक्सेसरी है। ये भी आपकी एक्सेसरी है। ORVM पे आपको इंडिकेटर मिल जाता है। LED आपको टेल लाइट्स मिल जाती है। फ्यूल टैंक आपको लेफ्ट साइड में मिलता है जिसकी कैपेसिटी है 52 लीटर्स। बेस मॉडल से आपको इसमें अलॉय व्हील मिल जाता है। टायर साइज है 205/65 R16। 16 इंच के इसमें अलॉय व्हील मिल जाते हैं। पीछे से इसके लुक मेरे को ज्यादा अच्छी नहीं लगती, पर्सनली बताऊं तो आगे से अच्छी लगती है। इनोवा की बैजिंग, टोयोटा का लोगो और आप अपनी बूट यहीं से एक्सेस कर सकते हो। पीछे आपको लैम्प मिल जाता है, 300 liters का इसमें बूट स्पेस। इसका प्राइस स्टार्ट होता है 18,30,000 से। ऊपर रूफ रेंज भी अवेलेबल हो जाती है। डोर हैंडल कुछ ऐसा मिलता है, रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता इसमें। शार्क फिन एंटीना, सनरूफ इसमें नहीं आती बेस मॉडल में, वो सिर्फ टॉप मॉडल में ही मिलती है। पीछे के हेडरेस्ट आप देख सकते हो, तीनों एडजस्टेबल है लेकिन इसका साइज अलग अलग है तीनों का। हाइट एडजस्टेबल, सीट रिक्लाइनर, डेड पेडल भी दे दिया गया है इसमें। एसी वेंट्स आपको कुछ ऐसे मिल जाते हैं। स्टीयरिंग भी अच्छा खासा है, स्टीरियो कंट्रोल लेफ्ट साइड में, क्रूज कंट्रोल इसमें नहीं आता। स्टीरियो आपको टच स्क्रीन मिल जाता है बेस मॉडल से। बैक मिरर आपको डे नाइट वाला मिलता है मैनुअल। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आ जाता है, दो कप होल्डर्स। आर्मरेस्ट आप सिर्फ ड्राइवर साइड से ही एक्सेस कर पाते हो। सनवाइजर में आपको मिरर मिल जाता है ड्राइवर साइड भी। लाइट्स, पैसेंजर साइड मिरर मिल जाता है एक। मैनुअल एसी, ग्लव बॉक्स कुछ ऐसा मिलता है डीप। यहाँ पे सॉकेट 12 वोल्ट का, USB एंड टाइप सी। MID कुछ ऐसी मिल जाती है इसमें। इंटीरियर आपको बेस मॉडल से ही काफी अच्छा मिलने लग जाता है। ये आपको मैगजीन्स, बोटल होल्डर एंड स्पीकर्स। विंडो कंट्रोल्स थोड़ा अपवर्ड में दे रखे हैं। डोर ओपनर आपको क्रोम में मिल जाता है। ORVM यहीं से एडजस्ट कर सकते हो आप, लॉक अनलॉक का बटन। पैसेंजर साइड भी सेम चीज मिल जाती है, सीट रिक्लाइनर। ग्लव बॉक्स भी काफी डीप मिल जाता है, यहाँ पे भी थोड़ी स्पेस दे रखी है। सॉकेट भी मिल जाता है 12 वोल्ट का। इंटीरियर आपको काफी प्रीमियम दिखने को मिल जाता है बेस मॉडल से ही। फैब्रिक की सीट आती है, लेदर की नहीं आती। बैक लुक दिखाऊं, बैक लुक को जैसे मिल जाती है, वाइपर अवेलेबल हो जाता है लेकिन डिफोगर नहीं आता इसमें। ये रेन वाइजर एक्सेसरी लगाई हुई है। अलॉय व्हील अपने कुछ ऐसे अपोलो के टायर। बेस मॉडल से आपको चारों डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं।
हाई स्टॉप लैम्प, वाइपर्स, डिफोगर नहीं आता, ऊपर आपको शार्पनेटी ना, यहाँ पे मैगजीन, बोटल होल्डर, सीट रिक्लाइनर, स्पेस दिखाऊं गाड़ी में, स्पेस काफी अच्छा है। यहाँ से आप अपना एसी एक्सेस कर सकते हो, पीछे का हैंगर मिल जाता है आपको यहाँ पे। सेवन सीटर का ऑप्शन आपको इसमें मिल जाता है। ऊपर लैंप, ग्रैब हैंडल, कुछ ऐसे एसी वेंट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। स्पेस तो काफी अच्छा है गाड़ी में, आप आराम से कंफर्टेबली जर्नी कर सकते हो एक इसमें। तीनों आपको हेडरेस्ट एडजस्टेबल मिल जाते हैं डिफरेंट साइजेस के। बोनेट पे भी थोड़ा डिजाइन देखने को मिल जाता है। इंसुलेशन के लिए आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता, पेट्रोल वैसे ही साइलेंट इंजन है, डीजल होती तो अलग बात है, आपको सिर्फ इसमें पेट्रोल ही देखने को मिलेगा, डीजल इनोवा हाई क्रॉस में आता ही नहीं है। बाकी इंजन आपका 2000 सीसी का मिल जाता है विद 173 bhp। टॉक की बताऊं तो टॉक इसमें 200 nm से ऊपर आपको देखने को मिल जाता है। बाकी इंजन अपना कुछ ऐसा हो जाता है, यहाँ पे आपकी बैटरी दी गई है। सो ये थी अपनी इनोवा हाईक्रॉस बेस मॉडल। गाड़ी कैसी लगी आपको कमेंट करके बता देना, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो भाई ये वीडियो देख लो, आप सभी धन्यवाद, बाय बाय।